नमस्कार। आज जो मैं बात बताने वाला हूं या बोलने वाला हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हम सनातनी हैं। सनातन के अंदर हमारी जितनी भी देवियां हैं, जितना भी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मांड के रचयिता, इस संसार का रचयिता, जो जब भी पृथ्वी पे प्रलय का कुछ ना कुछ निशानी दिखता है तो विष्णु जी को यहाँ पे अवतरण होना पड़ता है। साधु संतों का, हमारे जैसे जीव आत्माओं का रक्षा करने के लिए पृथ्वी पे अवतरण लेते हैं। महादेव हमेशा अपने दृष्टि में पूरे संसार को देखते रहते हैं कि कहाँ पे क्या तकलीफ है, कहाँ पे क्या पीड़ा है, और वहां पे जब तकलीफ और पीड़ा होती है तो वहां पे स्वयं महादेव क्या करते हैं, काल भैरव को स्थापित कर देते हैं। उस एरिया में काल भैरव को स्थापित कर देते हैं, क्षेत्रपाल के रूप से भी वहां पे उनको काम पे लगा देते हैं कि इस एरिया में बहुत भूत प्रेत डाइन डकनियों का आवास है और लोग इससे बहुत टूट रहे हैं और मर रहे हैं। तो काल भैरव, क्षेत्रपाल, काली माता, दुर्गा माता अनेक प्रकार के रूप लेकर हर एक एरिया में बैठ जाती है। वो क्यों बैठ जाती है? लोगों के अंदर एक सनातन सत्य का अभाव पैदा करने के लिए बैठ जाती है, और वो इसलिए बैठ जाते हैं कि आप भैरव जी को मानो, दुर्गा जी को मानो, काली जी को मानो, हनुमान जी को मानो, अगर आप इनको मानते हुए चलेंगे तो भूत भूतनी डाइन डंकनियां आपको कुछ नहीं हानि पहुंचा पाएंगे, आप बचे रहेंगे। लेकिन मैं क्या बताऊं, अफसोस की बात है, मैंने किसी के चैनल पे देखा था, स्वयं मैंने अपने आंखों से देखा, इसी कानों से सुना, बड़ा अफसोस हुआ। जो हमारे सनातन के साधु और संत हैं, जो महादेव के बनाए हुए वसूलों को हमारे आपके बीच में दिया, ज्ञान का भंडार बना के दिया, हर इंसान को समझाने के तरीके से उन्होंने उस लाइन को चेंज करके आपको समझाने का एक तरीका बनाया, आपको समझाने की कोशिश किया कि सर्वप्रथम भगवान है, भगवान को आप किस तरीके से मानना चाहते हैं, किस तरीके से उनको चाहते हैं। अभी जो मैं वीडियो देखा था उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। तो भगवान का सर्वप्रथम भगवान की बड़ाई करो, भगवान की जो है कि बहुत बड़ा आप विख्यात प्रोग्राम करते हो तो प्रोग्राम करो, भगवान के अंदर अपनी पूरी दिमाग और तिल को रख दो तो भगवान आपके अंदर पूरा दिमाग और तिल रख देता है। किसी के वीडियो में देखा था कि प्रेत उसे ठीक करता है, लोगों को प्रेत ठीक करता है, लोगों को प्रेत ठीक करता है और लोगों के भूतकाल भविष्यकाल वो बताता है और उसके अलावा कोई काम नहीं करता। अब बताओ, भूत प्रेत ठीक करते हैं लोगों को, और उसको ये नहीं मालूम है कि उसके ऊपर उसका बाप अगर भूत आ गया तो उसको तो लेके ही जाएगा साथ में, लोग फिर भी उसकी बड़ाई करते हैं कि क्या बताऊं मैं। अभी बीच में कांड देखा था, किसी के पास अहंकार आ गया था, अहंकार समझते हैं, भगवान कृष्ण अहंकार को सामने नहीं रखते, वो किसी का भी अहंकार हो, चाहे वो अर्जुन का हो, भीम का हो, सुदर्शन चक्र का हो, चाहे रुक्मणी का हो, सारे लोगों का अहंकार उन्होंने तोड़ दिया और उनके ही बनाए दुनिया में अहंकार आप लेकर बैठे हो। प्रेत से बढ़कर भगवान भी नहीं है, ऐसा आपकी सोच है, यही है ना, प्रेत से बढ़कर आपका कोई नहीं है। और आप डायरेक्टली बोलते हो कि लोगों के पास जो है सवारी आती है, दुर्गा की आती है, काली की आती है, भैरव की आती है, हनुमान की आती है। अरे कुछ तो सोचो, काली की आती है, दुर्गा की आती है, मतलब ये माताओं ने तुम्हारा कर्जा खाया है क्या? सवारी आती है, आप ये भी बोल सकते हो दुर्गा माता की आती है, काली माता की आती है, भैरव जी की आती है, भैरव आते हैं, मतलब तुम्हारा गुलाम है क्या? तुम्हारा गुलाम है। वीडियो आप देखोगे, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ठीक है, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, और आपके अंदर इतने घमंड आ गए कि चलो ठीक है, मैं दुनिया को सामने खुलासा कर दूंगा, दुनियादारी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मुझे तो गुस्सा आया भैया, जो भगवान का नहीं वो शैतान का भी नहीं होगा और शैतान उसका नहीं होगा। मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा नहीं करता, अहंकार भी नहीं करता, मैं माँ का भक्त हूँ, माँ को अर्पण हूँ, सनातनी हूँ, सनातन के जैसे ही मर जाऊंगा उसको भी प्राप्त हो जाऊंगा। साधु संत ने जो विचारधारा यहाँ पे रखा, लोगों को समझाने का तरीका बताया, उनके तरीकों को आपने गलत साबित किया। आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। शायद वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक जिन भेजा था मेरे पास, एक जिन भेजा था मेरे को
हानि करने के लिए, एक जिन भेजा था मुझे हानि करने के लिए, उस जिन को चुटकियों में उड़ा दिया, गंदे जिन को, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि अब दरबार नहीं लग रहा है, दरबार बंद हो गया है मेरे हिसाब से। आप निशाना किसी को भी लो, निशाना किसी को भी लो, हम किसी का नाम नहीं लेते। इतना ही कहूंगा कि मां का दिया हुआ नाम है दिनेश्वर महाराज, मां का प्यार है, जो भगवान की इज्जत नहीं करता वो चाहे इंसान हो, चाहे आत्मा हो, चाहे कोई भी हो, मैं उसे जड़ से उखाड़ देता हूं। संसार में पैदा हुआ है तो भगवान के लिए काम करो, तुम्हारे घर भरेंगे, भंडार भर जाएंगे, सारे भर जाएंगे, लेकिन अहंकार मत भरो मेरे भाई, अहंकार अंध का कारण बनेगा। मुझे मालूम है वीडियो देखने के बाद फिर कई तांत्रिकों के पास जाएंगे लोग, हमारे ऊपर कार्रवाई कराएंगे, और वो तांत्रिक जरा सा भी दिमागदार होगा तो सोच लेगा भैया मेरी ताकत तो नहीं जाएगी, उसकी ताकत छिन जाएगी, आजमा के देख लो, ठीक है। तो उस प्रेत को मैंने मेरे सामने खड़ा किया, जो प्रेत उससे बात करके लोगों का भविष्य बताता था, उस प्रेत को मैंने मेरे सामने खींच के लाया और खड़ा कर दिया। वो कहाँ है और मैं कहाँ, खड़ा किया। जब उसको मैंने लगा, जब डांटने लगा कि तेरी इतनी औकात हो गई है कि तू तो भगवानों की बेइज्जती करता है, साधु संतों का बेइज्जती करता है, हाँ, तब वो शैतान बोलता है भैया मुझे तो वहां पे अच्छे से अच्छे पोजिशन में बिठाया जाता है, इसीलिए मैं ग्राहक ला के देता हूं, जो वहां आता है मैं खींच के लाता हूं उसके पास, सब उधर आके ठीक होते हैं और मेरा सम्मान करता है। तो मैं बोला तेरा सम्मान करता है तो तू एक बात बता दे, तुम मुझे भी निशा दिखा दिया उसके सामने। तो उसके अंदर थोड़ा सा घमंड आ गया, बोलता है कि हाँ मैंने दिखा दिया निशा, सर्वप्रथम मैं उसे बड़ा बना के रखूंगा क्योंकि उसके पास लोग आएंगे और वो उसका सम्मान होगा तो वो मेरा सम्मान करेगा। तो मैंने किसी देवी को बुलाया, मैं बोला माता क्या करना है अभी, तो कोड़े मारते मारते उसे लेके जाने लगा तो वो डायरेक्ट बोलता है मुझे आपके पास रख लो बोलता है मैं आपका काम करूंगा, मुझे बोलता है मुझे आपके पास रख लो मैं आपका काम करूंगा। तो मेरे जुबान से इतना ही निकला कि मेरे पास मेरी माता है, मेरी दुर्गा माँ है, दादी माता है, काली माता है, भैरव जी है, महादेव स्वयं है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जो भगवान का इज्जत नहीं किया, जो साधु संतों का इज्जत नहीं किया, उसे तो मैं अपने सामने भी ना खड़ा रहने दू, ना ही तो तेरे आत्मा को यहां रहने दूंगा कि तू और किसी के अंदर घुसेगा, तुझे सिद्ध करेगा, जो उसके पास जाएगा उसका भी काम करेगा। मैंने माता रानी को निवेदन किया है, माता चलो ठीक है, इसने पाखंड फैलाया या कुछ भी किया, लेकिन कुछ लोगों को ठीक किया उसने, तो वो पुण्य समझकर इसे मुक्त कर दो। अब सोचो मैंने उसे बुलाया था दंडित करने के लिए, कोड़े भी मारे, वो मेरे पैर पे गिर गया कि भैया हम तुम्हारे काम करेंगे। मैंने उसका थोड़ा सा देखा कि उसने अच्छा काम किया है तो मैंने उसे मुक्त कर दिया। अब वो प्रेत आत्मा नहीं है, ढूंढने की कोशिश नहीं करना, नहीं मिलेगा, अगर मिल गया तो शर्ते लगा लेना, जितना मांगेगा उतना दे दूंगा। कभी भी घमंड मत करो, हाथ जोड़ के बोलता हूं, घमंड जिसके अंदर भी आएगा उसके शक्तियों के सहित शक्तियों का बंधन कट कर दिया जाएगा, कितनी भी बड़ी शक्ति आपने सिद्ध करके रखा है। ये ध्यान में रखना, सनातनी हो, सनातन जैसे रहो और भगवान पे बिलीव करो, भगवान पे भरोसा करो, सबका मालिक वही है। वही कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके ऊपर भी एक शक्ति है जिसका नाम है जगदम्बा भवानी, दादी माता। तो अहंकार मत करो, सब अपने हैं, अघोरी है वो भी अपना अंग है, किसी भी पंथ के लोग हैं, सब शरीर के एक अंग है। अगर बाएं हाथ को तकलीफ होगा ना तो दाएं को दर्द होगा, दाएं को तकलीफ होगा तो बाएं को दर्द देगा। तो अहंकार वश किसी की इज्जत मत उछालो, जब किसी की इज्जत उछालोगे, अहंकार आपके अंदर है, डेफिनेटली मैं अहंकार को तोड़ दूंगा मैं, और वो शमशानी क्रियाएं करके जमीन के अंदर गाड़ देना, लोगों को बेवकूफ जैसा बुलाना, सब नष्ट कर दिया है मैंने। एक बार दुश्मनी लिया था, तूने एक जिन भेज दिया, तो वो जिन नहीं भेजता ना तो बेटा मैं तेरे पीछे नहीं पड़ता। दो शक्तियों को मैंने हटा दिया है, बेताल को और वो जो महाराज थे इलाहाबाद वाले, उनको हटा दिया, वो बेताल भी नहीं आएगा, वो महाराज भी नहीं आएंगे।
कहीं किसी भी देश के कोने में चले जाना उस महाराज को लाने के लिए, वो महाराज आएगा ही नहीं, ठीक है, मुस्लिम महाराज है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, अहंकार मत करो, अहंकार में मत जियो, सर्वप्रथम सर्व जगत का पालनहार ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा माता जगदम्बा आदि भवानी आदि शक्ति, इनके अलावा किसी का नहीं चलता रे भैया, हमारा भी नहीं चलेगा, तुम्हारा भी नहीं चलेगा, किसी का भी नहीं चलेगा। अगर मेरे अंदर 1% अहंकार आ गया तो भैया मैं भी तुम्हारे जैसे भागूंगा इधर उधर, लेकिन अहंकार नहीं है, प्यार है। आप भी मेरे भाई हो, सब मेरे भाई हैं, जितने भी साधु संत जिस भी लाइन से हैं सब मेरे भाई हैं। बस भाई का एक परिचय दो, भाईचारा बढ़ाते जाओ, सनातन सत्य की जय बोलते जाओ। सनातन सत्य के अलावा कोई भी दूसरा सत्य बोल दिया ना बेटा, तो उसी में जाना पड़ेगा तुझे, ये ध्यान में रखना। जिसने शरीर दिया है, जिसने मानव जात में तुम्हें निर्माण करके भेजा है यहाँ पे, उसकी इज्जत करना सीखो। नहीं सीखोगे, मेरे बाप का घंटा नहीं कुछ जाने वाला है, जाएगा तुम्हारा। इसी बात को लेके मैं समाप्त करता हूं। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल।